Assalamu alaikum. Today we make Burmese dish mohinga recipe. So yummy, must try. Yummy, mouth watering. सबसे पहले फिश ले लेंगे 4-5 पीसेस. आपकी मर्जी है कोई भी फिश यूज कर सकते. नमक डाल के इसको बॉईल करने इतना कि बस गल जाए. अच्छे से इसके कांटे रिमूव कर दे और इसको रीशा बन. डेढ़ कप दाल मैंने रात से भिगो दी थी पकोड़ों के लिए और ये डेढ़ कप चावल भिगो दिए थे ओवरनाइट. फिर चावल को जूसर में डाल के पीस ले. इतना ही बहुत गाढ़ा भी ना हो बहुत पतला भी ना हो. पानी डाल के इसको पीस ले. फिर इसके अंदर दाल डाल दीजिए और नमक डाल दें. इसको मिक्स करके इसके पकोड़े बनेंगे. डीप तेल में 1-1 स्पून इस तरह डालते रहे तो और इसको अच्छे से आपको लाल करना है वरना ही पुरे से कच्चे रह जाएंगे. तरह भी कर सकते हैं कि बड़ा सा स्पून डाल दिया और एक साथ बड़ा सा बना के इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए. बस ध्यान रहे कि लाल थोड़ा अच्छा से होना चाहिए ताकि ये कच्चा ना रहे. अब एक डेगची में बॉयल वाटर करके सॉल्ट डाल देंगे हस्बेसाय का और ये मोहिंगा के पैकेट्स डाल देंगे. मैंने 4 पैकेट यूज़ किए हैं. आप अपनी फैमिली के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं. बस 2-3 जोश में ये रेडी हो जाते हैं. इसको ज़्यादा ना बॉयल करें वरना खिचड़ी बन जाएंगे. फिर इसको वाटर में अच्छे से सोक कर ले इस तरह से. कड़ी के लिए एक पॉट में 2 स्पून बेक बेसन 3 स्पून चावल का आटा आपको लेके बहुत अच्छे से भूनने. इतना भूनने कि आपको खुशबू आने लगे. थोड़ा हल्का सा रेड होगा फिर इसके अंदर पानी डाल दें और नमक डाल दें. फिर इसको पकाने के लिए रख दें कड़ी है. पानी डाल के आपको चमचे इस पे घुमाते रहने ताकि गुठलियां ना बने. फिश का पानी भी इसके अंदर ऐड कर दें. ध्यान रहे फिश का पानी ज़रूर आपको बचाना है. श्रेडेड फिश इसके अंदर ऐड कर दें. बड़ी वाली तलाड़ की मिर्चें 8 यूज करनी है. 3 बड़े साइज के प्याज 2 बड़े साइज के लहसुन की गड्डियां पूरी छील के एक जूसर में डाल दिया. पानी डालना. अब इसको ब्लेंड कर दिया. अब थोड़ा ऑयल लें और इसके अंदर ये पेस्ट डाल के अच्छे से इसको भूनने. इतना भूनने के इसके अंदर ये देखिए छींटे आने लगे. पूरा बबल आने लगेंगे. उड़ेगा फिर आप समझ जाए कि पक गया. उसके बाद इसको कढ़ी के अंदर ऐड कर दें. वो करी को 4-5 घंटे के लिए पकाने के लिए छोड़ दें. बीच बीच में आप चमचा घुमाते रहें. देखें पानी की ज़रूरत है तो पानी डालते रहें. सॉल्ट डाल दें. हंस पे जाए. 5 घंटे बाद इसके अंदर भिगा करना है एक नॉर्मल साइज की प्याज और अदरक लेना है 1 टेबल स्पून जितना चॉप. अच्छे से इसको रेड करने गोल्डन ब्राउन. ध्यान रहे कि बस जले ना. फिर इसको करी के अंदर ऐड कर दें.
सर्विंग बाउल में बॉयल मोहिंगा डाल के हरा धनिया डालें फ्रेश, फिर ये हरी प्याज कुटी हुई लाल मिर्च, उसके बाद ये पकोड़े डाल के कड़ी डाल दें, गरम गरम सर्व करें, लीमू इसके अंदर थोड़ा सा स्क्वीज कर लें। बहुत ही मजे के यम्मी से मोहिंगा तैयार है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, ना फीडबैक दें। कोई चीज अगर समझना है कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। अल्लाह हाफिज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।